डियर स्टूडेंट्स, पिछले दिनों लगातार कुछ ऐसे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस डेवलप कर गए कि उन्हें अवॉइड करना लगभग असंभव था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कार्य या आप अपनी बीमारी परेशानी को अगर आप अवॉइड करते हैं तो एक दिन वो आपको जकड़ लेता है, और कुछ ऐसी ही जो पर्सनल कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं उन्हें अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो एक दिन वो आपको जकड़ लेती हैं और फिर उनके साथ आपका एक ऐसा अनिवार्य, एक ऐसा अनअवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कि आपको उसे करना ही पड़ेगा। तो ऐसा ही कुछ अनअवॉइडेबल कार्य आ गया जो बहुत पर्सनल है, हालांकि ये अभी तक परसिस्ट कर रहा है, ये कार्य अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, तो ये एक दो दिनों का और कार्य बचा हुआ है, लेकिन हमने आज ये डिसाइड किया कि नहीं, अब एपिसोड्स आने चाहिए। तो आज एसआई के और एक प्रैक्टिस सेट आया, आपका एपिसोड कल आएगा और फुल फ्लेज्ड आएगा, सो आप वरी न करें, आपका एक दिन डिले हुआ है, 14 के बाद 18 को आपका एपिसोड आना चाहिए था। इस बीच आपने क्या किया इम्पॉर्टेंट ये भी है, चूँकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे हमें फीडबैक मिलता रहता है। ये जो 4 दिन बीता इसमें अभी स्पीड आपका बहुत स्लो है, हमें पता चल रहा है कि आप जिस स्पीड से पढ़ रहे हैं, जो 4 दिन मिल रहा है ये टॉपिक समाप्त नहीं हो रहे हैं, आप कुछ ही टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, चूँकि आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम है। तो हम कहेंगे कि आप इस जड़ता को तोड़ें, इसलिए कि समय बीतते समय नहीं लगता है, आपका ये टाइम भी धीरे धीरे बीतने लगेगा और एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा। तो अभी से कम आप धीरे धीरे से ही, लेकिन कंटिन्यूटी को आप बना लें, स्पीड अपना बना लें, तैयार कर लें। और एक बहुत जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो ये कि आप सभी के साथ, बल्कि हम सभी के साथ अपनी अपनी परेशानियाँ हैं, अपने अपने कुछ कंपल्शंस हैं जिनसे हम बंधे हुए हैं, लेकिन उनके बीच से ही हमें रास्ते निकालने हैं। अगर आप बिज़ी हैं, आपके शेड्यूल्स बहुत टाइट हैं, तो उससे भी आपको समय निकालना होगा, जैसे आज हमने निकाला। अभी हमारा कार्य स्टिल अभी भी है जिसे हमें करना है कंप्लीट, लेकिन हमने आज हमने ये सोचा कि नहीं, आज हम एपिसोड्स करेंगे और आपका ये मिलाकर 3रा एपिसोड हो जाएगा। तो हमने आज पूरा दिन मैनेज किया, हालांकि वो कार्य हमारा अभी तक बचा हुआ है। तो आप भी अपने कार्य को ज़रूर अपनी प्रायोरिटी दें, और ये जानते हुए कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आप टीचर हैं, आप किसी प्राइवेट जॉब में बॉस के बहुत सारे आदेशों से बंधे हुए हैं, लेकिन आप इस पढ़ाई के लिए टाइम निकालें। ये BPSC ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें न तो इंग्लिश है, ना ही बहुत टफ मैथमेटिक्स है, ना ही कोई ऐसा कुछ ऐसा टफ पेपर है कि आपको कुछ लॉ पढ़ना है, आपको एथिक्स पढ़ना है, आपको सिंपली जनरल स्टडीज़ और एक अपना पेपर पढ़ना है। ऑप्शनल पेपर को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज हैं, बहुत सारे नए लोग हैं, ये कह रहे हैं कि हम ऑप्शनल पेपर क्या रखें, तो इस पर एपिसोड आएगा, डिटेल्स में आएगा, अच्छे से हम लोग बातें करेंगे कि ऑप्शनल इन परिस्थितियों में जब आप सिलेबस भी थोड़ा चेंज होने की बात चल रही है, हम किस तरह के ऑप्शनल को चुनें जो हमारा अपना सब्जेक्ट हो। और इंटरेस्टिंगली अभी कल हमने जो हमारा कार्य चल रहा था उस दौरान हमें मार्केट में ही कुछ समय मिला, तो हमने कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का थोड़ा दौरा किया और थोड़ा सा जानना चाहा कि क्या स्थिति है, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकल कर आए, तो वो हम शेयर करेंगे आपसे। लेकिन आप ये मानकर चलें कि आपके पास जो अभी टाइम है ये आपको व्यक्तिगत स्तर पर कंप्लीट करना है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बहुत सारे लोग क्लासेस शुरू कर चुके हैं, जैसे मेंस वाले लोग क्लासेस शुरू कर चुके हैं, लेकिन आप जो PT की तैयारी कर रहे हैं वो आप अपनी जगह पर रह कर कर सकते हैं, बिना किसी पेमेंट के, बिना किसी फ़ी के, बिना किसी कोचिंग के। लेकिन ये तब होगा जब आपके अंदर वो इंस्टिंक्ट हो, ये ना हो कि आपके पास अभी साल भर का समय है तो आप आराम से करेंगे, कहीं पर शादी छिड़ी हुई है, कहीं पर कोई घरेलू रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई बीमार है, या कहीं आप किसी को छोड़ने लाने ले जाते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन इनके बीच कम से कम इन 4 दिनों में आप सारे टॉपिक्स को कम्प्लीट करें, ये इतने भी टफ नहीं है, 4 दिनों के लिए आपको मिल रहे हैं। और BPSC के थ्रू अगर अधिकारी बनना है तो ये बहुत ही आसान रास्ता है। अगर आपको अभी से इसमें इंग्लिश जोड़ दिया जाए तो यही बहुत टफ हो जाएगा। अगर ये कह दिया जाए कि इसमें SSC लेवल का, बैंकिंग लेवल का, मैथमेटिक्स रीजनिंग आएगा तो ये बहुत टफ हो जाएगा। क्या आप सोचते हैं, आपके लिए अभी भी ये बहुत आसान है, केवल GK GS आपको पढ़ना है, PT में भी 150 क्वेश्चन, ओनली जनरल स्टडीज़ है, आपको इसमें ना तो रीजनिंग, ना तो मैथमेटिक्स, ना ही 10 मैथमेटिक्स आता है PT में, लेकिन वो बहुत ही सतही आता है, आप उसे बना सकते हैं। और मेंस में स्टैटिस्टिक्स आता है, कुछ 2 क्वेश्चंस का स्टैटिस्टिक्स, वो गणित नहीं है बल्कि वो सांख्यिकी है, यानी कुछ कैलकुलेशन करके आप उसके सारे आंसर्स निकालते हैं। तो टफ इतना भी ये नहीं है, और आपके पास टाइम है, आप अपने घर में रहकर जो बुक्स बताया गया वो बुक्स आप ले लें। देखिए स्पेक्ट्रम हमने ऐड किया है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी बुक है मॉडर्न इंडिया में हिस्ट्री में, अगर जिनके पास बिपिन चंद्रा है आप बिपिन चंद्रा पढ़ें, लेकिन आपको स्पेक्ट्रम भी पढ़ना चाहिए।
दोनों का कैरेक्टरिस्टिक अलग है, दोनों के लेखक अलग हैं, समझाने का तरीका अलग है, फैक्ट्स डाला हुआ अलग है। तो आपके पास अगर बिपिन चंद्रा है, इट्स ओके, बहुत अच्छी बुक है, अनअवॉइडेबल है। हम लोगों ने भी बिपिन चंद्रा बहुत पढ़ा था उस समय, चूँकि हम लोगों के मन में ये भर दिया गया था कि बिपिन चंद्रा, सुमित सरकार, बी एल ग्रोवर, ये सब NCERT हम लोगों को पढ़ना ही था, NBT। लेकिन अभी आपके पास बिपिन चंद्रा, हर कोई बिपिन चंद्रा की बात करते हैं, साथ में स्पेक्ट्रम आपको करना चाहिए। और NCERT हम लेकर चलेंगे, हम कुछ क्लासेस चाह रहे हैं आपको देना, लेकिन टाइम नहीं मिलता, ये दिक्कत है। हमने स्टार्ट लिया लेकिन जो क्लासेस हम देना चाह रहे हैं उसके लिए टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, ये बड़ी दिक्कत है। या तो ये सब हम करें या आपको क्लासेस दें, कोई एक ही किया जा सकता है। जो टाइम हमें मिलता है वो हमारे लिए बहुत ही मोर देन सफिशिएंट नहीं होता है, इसलिए मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेट्स, कुछ SI के लिए, कुछ आपके लिए हम लेकर आ पाते हैं। हालांकि ये भी आप करें, इतना भी अभी आप करें, धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे। और करेंट अफेयर्स पे आप ज़रूर एक उपाय आप बनाएं कि हम इसमें कैसे पकड़ बनाएंगे। करेंट अफेयर्स अगर आप नहीं अच्छा करेंगे तो एग्ज़ामिनेशन में ये आपको बहुत बड़ा प्रेशर बिल्डअप कर देगा। 25 से 30 क्वेश्चंस करेंट अफेयर्स करेंगे। और इसमें हमने कई बार कहा कि अखबार अगर आप एक पढ़ पाते हैं तो ये सोने पे सुहागा होगा। डेली 5, 7, 8 करेंट अफेयर्स अखबारों में दिखाई देते हैं और इसमें से कई सारे आपको मैगजीन्स में नहीं दिखाई देते, ये अखबार में ही रह जाते हैं। और कई बार सेटर्स जब पुराने अखबार को निकाल कर सेट करते हैं तो वो एक बड़ा क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो ये सब कुल मिलाकर आप करें, व्यक्ति आएगा, व्यक्ति जाएगा, आपके जीवन में बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे, आपका लक्ष्य आपके साथ इंटैक्ट रहना चाहिए। ये किसी भी हाल में इसका स्क्रू ढीला नहीं होने देना है। आपका जो लक्ष्य है वो बहुत टाइटली बंधा हुआ होना चाहिए, कसा हुआ होना चाहिए, इसमें किसी भी तरह का हील हवाला सही नहीं है। BPSC आसान भी है, BPSC बहुत टफ भी है। अगर आप 2-3 महीने में करना चाहेंगे बहुत टफ है, लेकिन अगर आप 8-10 महीने टाइम लेकर करना चाहेंगे तो ये बहुत आसान है, क्योंकि इसमें सिलेबस ऐसा है कि ये आप कर सकते हैं। तो इसे आप करें। हम लोग इस बार 66वीं को बहुत अच्छे से निकालना चाहेंगे, और वैसे भी लोग जो पुराने हैं अब इस बार कम से कम ये लास्ट मानकर चलें कि इसे हम निकालेंगे। चेक किया।